اقرأ وخيّا ورتّل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. किसी भाई ने सवाल पूछा है अमेरिका से, ये पूछ रहे हैं कि मैंने टीवी पर लाइव हज देखा था और कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के ऊपर सेकंड फ्लोर पर तवाफ़ कर रहा था, क्या ये हज कबूल है, क्या ये करना जायज़ है? मेरे भाई देखें, हज का मतलब ये होता है कि जब अल्लाह ताला की खातिर आप सफ़र करते हैं या जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, तो हज भी एक किस्म का जिहाद है क्योंकि आप अल्लाह की खातिर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, वो हज कर नहीं पा रहा, तवाफ़ नहीं कर रहा, तो इस सिलसिले में वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो व्हीलचेयर के ऊपर हज करते हैं या तवाफ़ करते हैं। लेकिन एक इंसान जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर तवाफ़ कर रहा है, वो तो ये बात ख़ुद ही साबित करती है कि वो फिज़िकल ठीक है, लेकिन वो एक अपनी नफ्स की खातिर वो कर रहा है, जैसे अपने मत समझे कि आप अपने आप को वो सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे मैं एक अल्लाह के घर में एक तवाफ़ कर रहा हूँ। ये चीज़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो ये हज कबूल भी है, शायद उसकी नफ्स के हिसाब से ये हज कबूल होगा, लेकिन इसे हज नहीं होता। हज का मतलब होता है आप अगर फिज़िकल फिट हैं, आप उसको सही तरीके से सात तवाफ़ करें किबला की तरफ, इससे आपका हज होगा। लेकिन अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप सात तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन इंसान लोगों को अपनी तरफ अटैक कर रहा है इस तरह करते, एक तो वो ख़ुद भी मजाक बन रहा है, उसका हज भी कबूल नहीं आ रहा, वो एक समझे कि वो एक सऊदीया में सिर्फ अपने टूर करने के लिए गया हुआ है, लेकिन इसे हज कबूल नहीं होता।